गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं मेकअप एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज का जो वीडियो है गाइज, ये एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज मैं कोई भी मेकअप या फैशन से रिलेटेड कंटेंट शेयर नहीं करने वाली हूँ। एक्चुअली आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, मैंने अभी रिसेंटली जो है अपना न्यू कैमरा जो है परचेज किया है एंड ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। सो मैंने जो भी मौका मिल पाया था वहाँ पर मुझे शूट करने का, या जो भी चीज़ें हैं शूट करने का टाइम मिल पाया था वो मैंने शूट किया है एंड वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कैमरे का जो मैं वेट है वो मैं करीब लगा लो जनवरी से कर रही थी एंड अब जाके मुझे ये कैमरा मिल पाया है। जब मैं पहले उस टाइम कैमरा लेने के लिए गई थी तो जिस स्टोर पे मैं एक्चुअली कनाट प्लेस के जो कैनन का शोरूम है मैं वहाँ गई थी एंड मुझे जो है कैमरा तो मिल रहा था बट लेंस नहीं मिल रहा था। सो मैंने ये सोचा कि दोनों चीज़ें लूँगी तो एक साथ ही लूँगी, एक अकेली चीज़ लेके क्या करूँगी, बिकॉज मिररलेस कैमरा मैं ले रही हूँ एंड उसके साथ मिररलेस जो है लेंस ही चलेगा तो वही सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल लेंस भी था बट उसे यूज़ करने के लिए मुझे एक अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है एंड अभी मेरा कोई मूड नहीं था अडेप्टर लेने का। सो फ्यूचर में मैं लूँगी, लेकिन अभी तो मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अभी अडेप्टर लूँ, तो मैंने सोचा था लूँगी तो सीधा उसका लेंस ही लूँगी एंड फिर डायरेक्टली यूज़ करूँगी एंड तो उस टाइम लेंस नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने उस टाइम छोड़ दिया एंड उस टाइम गाइस काफ़ी कम प्राइस का था, उस टाइम आई थिंक 190 का मुझे कैमरा पड़ रहा था बट मैंने नहीं लिया और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा महंगे में लिया है। सो उस टाइम मैंने कैमरा छोड़ दिया था एंड देन उसके बाद मुझे पता चला कि मार्केट में जो ये लेंस है इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आता है और फटाफट से निकल जाता है, बचता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टोर्स पे पता किया बट कहीं नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट जो लेंस है गाइस वो 1.17, 1.18 का, 1.19 का ऐसे मिल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था एंड कोई भी कम प्राइस में दे ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से जाके 1.10 में, पहले जब मैंने पता किया था उस टाइम पे तो 90 में 95 में फिर भी मिल रहा था, लेकिन बाद में तो उतना भी मिलना बंद हो गया, सबके सब 1 से ऊपर का ही बता रहे थे, 1.10 का या फिर 1.17 का। बहुत से जाके एक स्टोर मुझे मिला जहाँ पे मुझे ये 110 का मिला है और मैंने वहीं से इसको परचेज़ किया। एंड अगर आप उस स्टोर की आपको कोई भी डिटेल्स वगैरह चाहिए सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने स्टोरी वगैरह जो है डाली है कैमरे की एंड मैंने उनको टैग भी किया है। सो आप वहाँ जाके उस ब्रांड को देख सकते हो, उस स्टोर को विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, उनका मैंने जो है पेज का जो है लिंक शेयर किया है। सो इसके अलावा गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है एंड मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए वहाँ पर भी वीडियो बनाई थी, वो इतनी अच्छी वीडियो बनी नहीं थी तो मैंने घर आके दोबारा से वीडियो बनाई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं ओपनिंग करते हुए, अनबॉक्सिंग करते हुए। वैसे तो वहाँ पर ही मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी, एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, तो फटाफट से देख लेते हैं।
वीडियो तो आपने देख ही ली अनबॉक्सिंग करते हुए, एंड मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें भी आपने देख ली, तो मैं एक बार दोबारा से आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज लगा लो ये मेरा एक ड्रीम था, मुझे इस तरह का कैमरा चाहिए था, एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इस तरह का कैमरा लेना है, बट मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लूँगी, लेकिन बस अचानक से मूड बन गया एंड बस मेरा दिल लटक गया था इस कैमरे पे, देन मैंने फाइनली ये वाला कैमरा परचेज कर लिया। सो गाइज, ये जो है मेरा कैमरा है, प्लस ये इसके साथ मैंने लेंस परचेज किया है, कैनन का कैमरा है, एंड इसमें ये जो है स्क्रीन है जो फ्लिप होकर के हम जो है इस तरीके से भी मैं लाइक अपने आप को देख सकती हूँ कि क्या शूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नीचे भी कर सकती हूँ ऊपर भी कर सकती हूँ, लाइक मैं कैसे भी शूट कर सकती हूँ, इसको पूरा का पूरा घुमा सकती हूँ। सो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और अभी तक जो है मैं किस तरीके से शूट करती थी वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तक मेरे पास जो है कैनन का 1300D था, एंड उसमें कोई भी इस तरह की स्क्रीन नहीं थी, तो मुझे पता नहीं चल पाता था कि लाइक मेरा क्या शूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो मुझे बहुत टाइम में जाके पता चला कि मैं अपना जो है कंप्यूटर की जो स्क्रीन है मैं उसको अटैच करके और फिर अपनी फेस देख सकती हूँ, बट गाइस उसके बाद भी ना लाइक उसको फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे फोकस करने के लिए कोई दूसरा बंदा चाहिए जो आकर के मेरा जो है फोकस करे, करेक्ट करे मेरी जो लाइक, तो ब्लर है वीडियो बनेगी, तो वो चीज़ें करने के लिए भी मुझे किसी और से करवाना पड़ता था। अगर मैं खुद से करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कभी ब्लर बनती थी कभी ठीक बनती थी, सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, एंड इतना सारा तामझाम मुझे अटैच करना पड़ता था उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा लफड़े थे। एंड इसके अलावा जो इसका लेंस है गाइस, उसमें जो वीडियो है वो इतनी अच्छी नहीं बनती थी, तो इसके साथ मैं दूसरा लेंस अटैच करके बनाती थी। एंड अभी जो मैंने लेंस गाइस इसके साथ अटैच कर रखा है ना, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वाइल्ड फोटोग्राफी का है, सो इससे ना बहुत दूर तक की जो है आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, और अभी मैंने बिल्कुल एंड में इसको जो है लेंस को कैमरे को रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है मेरा सिर्फ इतना ही बॉडी शो हो रहा है, मैं अपनी लाइक हाफ बॉडी भी नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं शो हो पाती है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दूर कैमरा रखना पड़ेगा, एंड रूम तो स्पेस तो एक लिमिटेड स्पेस होता है ना रूम का, सो हम बहुत ज़्यादा दूर तो रख नहीं सकते, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि एक पूरा का पूरा लाइक पूरा फ्रेम नहीं आ पाता था जितना हमें चाहिए होता था इस वाले लेंस में, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। फिर क्वालिटी भी ठीक है, मतलब ओके थी, लेकिन इतनी मुझे समझ नहीं आती थी इसकी क्वालिटी भी, सो इस वजह से मैंने लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी फाइनली इस टाइम पे ना ये लेंस भी ख़राब हो रखा है, लाइक फ़ोटो खींचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं अपने आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाती हूँ, मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी ना किसी को बोलना पड़ता है, कोई और मेरी फ़ोटो खींच पाता है, बट मैं अपने आप फ़ोटो तक क्लिक नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यू कैमरा लूँगी, एंड वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी तक मैं शिट बहुत ज़्यादा शोर आता है गाइज मेरे यहाँ पे लिटरली। अभी मैंने आपको दिखा देती हूँ आगे की वीडियो की में कि मैं अभी जो है किस तरीके से शूट करती हूँ अपने वीडियो को, एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ आप देख लो। सो गाइज, आपने मेरा सेटअप तो देख ही लिया कि मैं अभी जो है किस तरीके से शूट करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम रहता है, मुझे अपनी स्क्रीन भी अटैच करनी पड़ती है, काफ़ी सारी वायर्स लगानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे इस टाइम शूट करने में। एंड अब जो है मेरा न्यू कैमरा आ गया है, सो अभी मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है। वैसे मुझे इसके साथ सिर्फ एक स्ट्रिप मिली है, और इसके अलावा मुझे इसमें बैटरी मिली है और चार्जर मिला है, दैट्स इट, मुझे और कुछ भी नहीं मिला है। और जो ये लेंस है इसमें सिर्फ लेंस मिला है बस, और कुछ भी नहीं मिला है, और लेंस का एक छोटा सा मुझे पाउच भी मिला है। सो गाइज, लेंस के साथ जो है हमें एक छोटा सा पाउच मिला है, मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे किस तरह का पाउच मिला है। वैसे मुझे लेंस वाला जो बैग है ना वो बहुत बहुत मस्त लग रहा है, बहुत प्यारी सी पोटली टाइप का मिला है, सी ये इस तरह का मिला है, इस पर कैनन भी लिखा हुआ है ये वाला, एंड इस तरह का मुझे बैग मिला है, और काफ़ी अच्छे कपड़े में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड इसके अंदर जो मेरा लेंस है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मुझे अलग से निकाल के रखना है, सो मैं इसके अंदर रख सकती हूँ लेंस को, एंड इसको यूज़ कर सकती हूँ ट्रैवलिंग के लिए, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा गाइज़, मैंने जो है उनसे दो कार्ड भी लिए थे,
सो गाइज उनसे मैंने जो है 64 GB के दो कार्ड भी लिए थे। एंड जो मेरा पहले वाला गाइज कैमरा था ना, उसके साथ प्रॉब्लम की होती थी, जैसे मेरा एक 16 GB का कार्ड था, एक 64 GB का कार्ड था, जो 16 GB का कार्ड था वो तो ठीक चलता था, जो 64 GB का था ना वो बार बार करप्ट हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा GB के जो कार्ड होते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो करप्ट हो जाते हैं एंड फिर एक साथ ही सारा डेटा आपका जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो उन्होंने तो यही बोला था कि आप जो है बहुत ज़्यादा GB का डेटा जो है यूज़ मत करो, थोड़े कम GB के दो ले लो। सो मैंने इसलिए जो है दो ये ले लिए, और ये मुझे जो है एक जो है उन्होंने मुझे कैमरे के साथ में ही दिया। जनरली था नहीं, बट हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी थी एंड बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने एक कार्ड हमें उसके साथ फ्री दे दिया और एक कार्ड जो है मैंने परचेज कर लिया था। एंड इसके अलावा मैंने उनसे और मैंने क्या गाइज, मेरे साथ मेरे हस्बैंड गए थे एंड वो बार्गेनिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है, मेरे से तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ बार्गेनिंग। मैं इनफैक्ट कपड़े लेने भी जाती हूँ या सरोजनी नगर भी जाती हूँ, मैं वहाँ पे भी बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर पाती, फिर मैं उसी को अपने साथ लेके जाती हूँ जिसको बार्गेनिंग करनी आती हो, या फिर मैं बार्गेनिंग करती ही नहीं हूँ, ऐसी जगह से लेती हूँ जहाँ सेल हो या फिर जहाँ मुझे बार्गेनिंग करनी ही ना पड़े, बिकॉज मुझे लिटरली मुझे बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं आती एंड मैं बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर पाती हूँ। सो मैं बहुत बुरी हूँ बार्गेनिंग करने में। सो उन्होंने बार्गेनिंग करी एंड उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये बैग दिया एंड ये बैग जो है बहुत बहुत अच्छा बैग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसे मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये वीडियो वाइज हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सो मैं आपको बैग दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा बैग है एंड ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा बैग है। अगर आपके पास भी लाइक कैमरा वगैरह है एंड आप ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर लाइक आप कोई व्लॉग टाइप की वीडियोस बनाते हैं, सो आप डेफिनेटली इस तरह का बैग परचेज कर सकते हैं। ये जो है आपको बैग इस तरह का स्टोर वगैरह से मिल जाएगा, ये मोबियस ब्रांड का है। सो ब्रांड का जो भी नाम है वो चीज़ें मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये गाइस इस तरह का बैग है, सी इसमें ये आगे पॉकेट दे रखी है, चेन दे रखी है, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, ये अंदर इस तरीके से इसमें पॉकेट्स हैं, सी इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड इसके अंदर ये बैग दे रखा है। इसके अंदर आप पूरे बैग को कवर कर सकते हो, लाइक अगर बारिश वगैरह हो रही है तो इससे जो है आपका बैग गीला नहीं होगा एंड सेफ रहेगा। एंड इसके अलावा गाइज अब मैं अंदर से आपको खोल के दिखा देती हूँ। सो गाइज अंदर से जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं एंड ये कंपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब आप अपने हिसाब से इनको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से लाइक उनको एडजस्ट कर सकते हैं एंड ये सारे के सारे जो है ना गाइज ये रिमूव हो जाते हैं, इन सबको आप रिमूव करके और अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सो इसमें आप जो है कैमरा रख लो, लेंस रख लो, चार्जर रख लो, मतलब अलग अलग चीज़ों में अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हो वो चीज़। सो गाइज ये जो बैग है ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला बैग। एंड इसके अलावा गाइज इसके साथ चार्जर आया था, बैटरी आई थी एंड चार्जर वगैरह जो भी है वो अभी बैटरी चार्ज हो रही है, अभी तक मैंने लाइक यूज़ भी नहीं किया है, कैमरे को चला के भी नहीं देखा और अभी मुझे यूज़ करना भी नहीं आता, धीरे धीरे मैं सीखूंगी चलाना। सो अभी जो है मेरा बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा चार्ज हो जाने दो तो मैं वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ एंड फिर बाद में सीखेंगे कैसे चलाना है। सो गाइज इतनी ही चीज़ें आई थी एंड मैं आपको बता देती हूँ प्राइसेस क्या थे। सो मुझे जो है लेंस जो है वो 110 का पड़ा है, 1,10,000 का, और जो कैमरा मुझे मिला है गाइज वो मुझे करीब पड़ा है कितने का पड़ा है, 2,00,000 का। हाँ 2,00,000 का मुझे पूरा कैमरा पड़ा है, पड़ा क्या है गाइज उसके बाद इसका इंश्योरेंस वगैरह भी कराया, सो 3,50,000 हमारे कहीं नहीं गए, 3,50,000 हमारे ऑलमोस्ट लग चुके हैं कैमरे में और लेंस में, बिकॉज जब मैंने उसका लाइक लेंस का इंश्योरेंस कराया था तो वो भी करीब 15,000-16,000 का तो इंश्योरेंस उसका हुआ था, फिर डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस, फलाना चार्जेस, इसके चार्जेस, तो लगा लो करीब लमसम हमारा 3,50,000 में दोनों चीज़ें मेरी आ गई हैं। और ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, कार्ड वगैरह, बैग वगैरह, ये सब चीज़ें इतने में मेरी आ गई हैं प्लस इंश्योरेंस हो रखा है। सो इसका जो है मेरा कैमरे का 2 साल का पहले से वारंटी थी एंड मैंने जब वारंटी एक्सटेंड कराई इसकी तो मुझे 3 साल की मिली, तो टोटल 5 साल की मुझे इसकी वारंटी मिल गई 3,50,000 में, प्लस जो है
क्या मेरा लेंस, हाँ लेंस जो है उसकी एक साल की वारंटी थी, फिर तीन साल की मैंने उसकी वारंटी एक्सटेंड कराई, सो उसकी चार साल की हो गई, तो उसकी चार साल की वारंटी है, उसकी पाँच साल की वारंटी है, सो मैंने वारंटी जो एक्सटेंड कराई है उसकी वजह से तो है थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, वरना मेरे ख्याल से कितने का हम बैठता फिर ना, फिर 3-10 का बैठता, लेकिन 40,000 गाइस इसी चीज़ में चले गए, वारंटी एक्सटेंड कराई हमने, फिर ये जो चीज़ें एक आध चीज़ ली है, फिर मैंने फ़िल्टर वगैरह भी लिया था लाइक लेंस के आगे अटैच करने के लिए, सो ये गाइस फ़िल्टर भी है जो मैंने अटैच करने के लिए लिया है लेंस के लिए, ताकि क्योंकि जब हम धूप में शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वाइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो ये लेंस इसके लिए है कि वाइटनेस अगर बहुत ज़्यादा आपकी हो गई है तो वो चीज़ नहीं होगी, आपकी जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो एकदम नॉर्मल रहेगी, सही रहेगी, एंड वीडियोज़ की क्वालिटी बेकार नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वाइटनेस नहीं होगी, सो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, सो इसलिए मैंने लिया था, और मुझे लगता है अभी एक और लेना पड़ेगा ये फ़िल्टर भी, बिकॉज इससे काम नहीं चलेगा, इसे हम बाहर तो यूज़ कर सकते हैं बट अगर मैं होम शूट कर रही हूँ लाइक घर के अंदर शूट कर रही हूँ तो ये वाला फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फिर हमें एक यू लाइक एक नॉर्मल वाला फ़िल्टर चाहिए होगा जिसका एक नॉर्मल वाला लाइक मिरर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मिरर है ना वो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में है, सो वो घर के अंदर काम नहीं करेगा, सो गाइज इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ से ली, एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरा नया कैमरा आ गया, एंड थैंक यू सो मच गाइज आप सबका, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो एंड प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं और आप लोगों के लिए न्यू अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं, एंड मैंने सोचा है कि अब न्यू कैमरा आ गया तो और भी न्यू अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आनी है, और भी न्यू अच्छा कंटेंट लेके आना है, सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड इसके अलावा गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।